सेमीफाइनल का पहला मुकाबला चल रहा होता हुआ टॉस जीता है निजामपुर ने और कोर्ट चूज किया है। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला मदर खजानी वर्सेस निजामपुर, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमें बेहतरीन टीमें हैं भाई, सभी टीमों को हरा कर आई हैं। सेमीफाइनल का ये पहला सेमीफाइनल मुंगेशपुरी का रेड बाय मदर खजानी। पहली रेड बेहतरीन मुकाबला भाई, पहली रेड में अटेम्प्ट था 8 नंबर को, बदर खजानी की तरफ से लाइनमैन हिमांशु भाई राकेश को सुबह लाइनमैन भेज दो। वो जो रेड रॉस का नाम क्या है? अरे लाइनमैन हिमांशु। पहली रेड में बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। क्या बेहतरीन पूर्वानुमान के साथ बैक किक लगाई, जंप लगाई बैक और फायदा मिलता हुआ। स्कोर खाता खुल चुका है 10 नंबर के साथ मदर खजानी की तरफ से। क्या बेहतरीन भाई, बिल्कुल चढ़ाकर खिलाते हुए टीम। स्कोर हो गया है बराबर 1-1। स्कोर हो चला है बराबर। मंगेशपुर दिल्ली में चलता हुआ ये सेमीफाइनल का पहला सेमीफाइनल का मुकाबला निजामपुर वर्सेस मदर खजानी। दस नंबर के साथ क्या बेहतरीन अटेम्प्ट है और 8 नंबर को किया है बार। हिमांशु एक बार फिर बेहतरीन खिलाड़ी है हिमांशु भाई। जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हुआ था हिमांशु ने बिल्कुल शो दिखाया था भाई, ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था, बेहतरीन गेम। वही गेम यहां दोबारा दिखाना चाहेंगे और फाइनल का टिकट कटाएंगे। बोनस दिया है, बिल्कुल दिखाया है। स्कोर 2-2 बराबर हो चला है। दस नंबर खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी है भाई। अभी हिमांशु बिल्कुल शो दिखाता है। क्या यहां सुपर रेड मिलेगी और बेहतरीन अटेम्प्ट और छटपटाते हुए पूरा काम किया हिमांशु ने, बिल्कुल ऑलराउंडर प्रदर्शन पहले की तरह रिपीट करता हुआ। 8 नंबर खिलाड़ी, अगर भाई हाथ निकलता और हिमांशु आज नहीं आता सामने तो ये जो लीड थी ना जो होती मदर खजानी के पास वो एंड तक नहीं चढ़ती। ये है मुकाबला, ये है जबरदस्त पकड़ का बदला पकड़ मिला है। एक बार फिर मानव एकेडमी मदर खजानी कॉन्वेंट की तरफ से रेड करते हुए निजामपुर के पाले में। क्या बेहतरीन गेम मिला है सेमीफाइनल का, जैसा मुकाबला होना चाहिए बिल्कुल कांटे का मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच। एक तरफ निजामपुर, दूसरी तरफ मदर खजानी मानव एकेडमी। 9 नंबर में हिमांशु रेड करते हुए प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे जो क्वार्टर फाइनल में हुआ था। एक समय लीड 10 पॉइंट की थी एमडीयू रोहतक की और उस लीड को छटाते हुए 4 पॉइंट की बढ़त के साथ सेमीफाइनल का टिकट कटाया था
और अब गेम सामने मदर खजानी मानव एकेडमी के सामने चलता हुआ। पांच का डिफेंस है, बेहतरीन डिफेंस, क्या यहां फिर कामयाब होंगे, किसको मिलता है पॉइंट, बिल्कुल चहलकदमी छटपटाती हुई टीम पूरी। आठ नंबर खिलाड़ी, क्या बेहतरीन छलांग है, लेकिन ये छलांग काम नहीं करेगी। धराशाई कर दिया, तोड़ दिया डिफेंस ने जो एक मूवमेंट बना हुआ था उसे। मदर खजानी बढ़त में है, चार पॉइंट मदर खजानी और तीन पॉइंट निजामपुर। टाइम आउट लिया है मदर खजानी ने, जीते कोई भी लेकिन मुकाबला जैसा सेमीफाइनल का होना चाहिए बिल्कुल ऐसा देखने को मिल रहा है अभी तो। मदर खजानी की तरफ से एक नंबर रेडर मानव कबड्डी एकेडमी के बेहतरीन खिलाड़ी भाई, अभी चार का डिफेंस है लेकिन ये गलती नहीं भाई, एक पॉइंट थोड़े चोटिल हुए हैं हिमांशु। ऑफिशियल टाइम आउट। गेम फिर स्टार्ट एक बार, जो लीड है वो धीरे धीरे मदर खजानी मानव एकेडमी की बढ़ती जा रही है और बोनस का प्रयास है। क्या लंबी छलांग है, क्या दिया जाएगा बोनस, और बिल्कुल बोनस दिया गया है। 4-5 स्कोर हो चला है, सुपर टैकल ऑन है, अगर यहां सुपर टैकल होता है तो बिल्कुल मनोवांछित जो बढ़त है वो भी मिलेगी। नहीं, बहुत जल्दी रेड की, 5-4 स्कोर, पहले बेहतरीन बोनस का अटेम्प्ट किया था। कोशिश करेंगे जल्दी, दौड़ रही है रानी है, सुपर टैकल ऑन भी है, दो पॉइंट मिलेंगे। मदर खजानी की तरफ से मानव कबड्डी एकेडमी के खिलाड़ी रेड में बेहतरीन खिलाड़ी है, इसके बाद डुअड्डा यानी है क्या ये भाई, बिल्कुल जो दावा है रेडर सेफ है भाई, लेकिन यहां उल्टा पड़ता हुआ पासा, डुअड्डा के इंतजार में थे लेकिन डुअड्डा से पहले ही रिवाइवल कराना होगा निजामपुर को। और अगर गेम में वापसी करनी है और वापस आना है तो हिमांशु को कोर्ट में लाना होगा। ये धराशा ही कर दिया है, और ऑल आउट मिला है, पहला ऑल आउट। बिल्कुल अंदर आए हिमांशु, ऑल आउट से ही सही, क्या आप गेम एक बार फिर चलेगा भाई, बार स्कोर बताएं। 10-4 स्कोर है, अब 5-10 स्कोर हो चला है, सो देखना होगा किसका चलेगा, एक नंबर रेडर या फिर 9 नंबर हिमांशु का। मदर खजानी की तरफ से बोनस, बिल्कुल बोनस दिया है, बोनस का अटेम्प्ट था, स्वीकार भी किया है। ये गेम है भाई, ये जो लड़का लगातार गेम दिखाता है वही गेम दोबारा दोहराता हुआ। कौन ले जाएगा यहां से फाइनल का इनाम, कौन यहां से फाइनल का सफर तय करेगा, और ये अभी देखने वाले आने वाले समय में। एक नंबर खिलाड़ी 9 नंबर खिलाड़ी पर भारी पड़ता हुआ, लंबा प्रयास,
मध्यांतर का समय करीब है। हिमांशु एक बार फिर 5 का डिफेंस, जो ये शो चलेगा बेहतरीन। सेमीफाइनल का दूसरा हाफ, क्या यहां लेकिन अगर यहां से पकड़ होती है, बिल्कुल पकड़ हुई है, अगर यहां हाथ निकलता तो बिल्कुल, ये भाई 10 नंबर खिलाड़ी मदर खजाने की तरफ से बोनस का प्रयास है। क्या मिलेगा बोनस? छह का डिफेंस, बोनस ऑन है, बिल्कुल छका दिया है। मध्यांतर हो गया है भाई, स्कोर 13-6 है। अभी जो लीड है वो 7 पॉइंट की मदर खजानी के पास है। और रेड निजामपुर की तरफ से, क्या यहां शो देखने को मिलेगा? बिल्कुल बोनस का प्रयास किया है लेकिन, और रेफरी साहब की निगाह चुस्त है, मुस्तैद और चुस्त दुरुस्त। क्या यहां सुपर रेड देखने को मिलेगी? लेकिन नहीं मिलेगा, तो सिर्फ टैकल मिलेगा। मदर खजानी धीरे धीरे बढ़त मजबूत करता हुआ, 4 खिलाड़ी कोर्ट में। मोहित एक बार फिर 10 नंबर के साथ, बेहतरीन खिलाड़ी मोहित भी। मानव मानव कबड्डी एकेडमी मदर खजानी, 14-6 स्कोर हो चला है। आठ नंबर खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी भाई, बिल्कुल भरपूर साथ दिया है लेकिन यहां नहीं साथ मिलेगा। सुरेंद्र मदर खजाने की तरफ से रेड करते हुए, सुपर टैकल ऑन है, क्या मिलेगा यहां सुपर टैकल देखने को? सुरेंद्र भी बेहतरीन खिलाड़ी है भाई, अपनी टीम को यहां तक लेकर आना, क्या ये पकड़ है भाई, बेहतरीन सुपर टैकल। दूसरी जो थाई थी उस पर अटेम्प्ट किया और धराशाई कर दिया। हिमांशु एक बार फिर सेमीफाइनल का पहला मुकाबला मुंगेशपुरी में, क्या बेहतरीन, देखना होगा, बोनस मिला है, बिल्कुल 9-14 स्कोर हो चला है। धीरे धीरे ये लीड झटती जा रही है, ये अटेम्प्ट है लेकिन ये झटका है भाई, ये गलतियां हैं, गलतियां नहीं, बिल्कुल पूरा होल्ड किया था लेकिन छुटा पंजा और स्कोर 2 बढ़ा मदर खजानी का। 9-17 लीड 8 पॉइंट की हो गई है। फिर हिमांशु एक बार फिर, बेहतरीन खिलाड़ी हिमांशु, लेकिन क्या यहां वही गेम दोबारा दिखाएगा? एक बार फिर क्वार्टर फाइनल में बहुत तगड़ा मुकाबला, बहुत कड़ी चुनौती मिली थी देखने को, और बिल्कुल 1 पॉइंट लिया है। नाइन आउट और 1 इन है, सुपर टैकल ऑन है। मोहित क्या एक बार फिर कामयाब होंगे? सुपर टैकल की सिचुएशन, लेकिन ये गलती की है।
मदर खजानी बेहतरीन टीम भाई। बोनस दिया है लेकिन बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा। बिल्कुल बोनस प्लस वन। उन्नीस बारह स्कोर है लेकिन ये लीड कब छट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन लेकिन ये जो अभी सामने है दो खिलाड़ी बचे हुए हैं कोर्ट में निजामपुर के। मोहित एक बार फिर सुपर टैकल ऑन है लेकिन नहीं मोहित नहीं रुकने वाले हैं भाई। पांच मिनट का समय शेष है और लीड अब हो गई है आठ पॉइंट की। 20-12 स्कोर हो चला है। बोनस प्लस वन लिया है। बोनस प्लस वन। मोहित एक बार फिर अब स्कोर हो चला है 14-20। लेकिन नहीं भाई मोहित नहीं रुकने वाले हैं। आठ नंबर खिलाड़ी एक बार फिर शिरकत करते हुए। क्या यहां ऑल आउट मचाएंगे? अगर यहां टच पॉइंट नहीं मिला तो रिवाइवल से काम नहीं चलेगा। मिलेगा नहीं रिवाइवल और बिल्कुल नहीं मिला है। बोनस प्लस थ्री पॉइंट मदर खजानी और वन पॉइंट बोनस का सुरेंदर जो लीड है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 15-23 स्कोर हो चला है लेकिन हिमांशु को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए इस समय। आठ नंबर खिलाड़ी 25-15 स्कोर है। 25-16 9 पॉइंट की अभी भी लीड है। लगभग 2 मिनट का खेल बाकी। दो मिनट का समय शेष है। दो पॉइंट ये गलतियां हो ही जाती हैं भाई। लास्ट 2 मिनट का समय शेष है लेकिन यहाँ जीत की सुगंध आ गई है। फाइनल का सफर तय कर लिया है जैसा गेम चल रहा है मदर खजानी ने। मोहित एक बार फिर बेहतरीन खिलाड़ी भाई। मोहित कमाल का रेडर है और बिल्कुल जैसा आप देख सकते हैं निजामपुर की टीम जिसका मनोबल बिल्कुल टूटता जा रहा है धीरे धीरे जैसे टाइम घटता जा रहा है। मोहित टाइम काटना चाहेंगे और बिल्कुल टाइम काट रहे हैं। आठ नंबर खिलाड़ी एक बार फिर कोर्ट में। ये एंकल होल्ड किया था जबरदस्त झटका मारा और अपने आप को सेव करते हुए। एक मिनट का समय शेष। सुरेंदर क्या कमाल करेंगे या काटेंगे टाइम क्योंकि बढ़त में है। 17-27 एक मिनट का समय शेष और यहां फाइनल का सफर तय किया है मदर खजानी की टीम ने। मोहित और सुरेंद्र का कमाल है ये बेहतरीन गेम और पहली हमें फाइनल की जो हकदार टीम है जो फाइनल का सफर तय किया है वो मदर खजानी है 28-17 के साथ। धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।